हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम जानेंगे, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चंस है जो मेरे OPD में पेशेंट्स पूछते हैं, टेलीफोनिकली पूछते हैं, क्या मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। दोस्तों, दे सेंड ए पिक्चर, उनका एक पिक्चर भेजेंगे मेरे को व्हाट्सएप पे, और उसके बाद उनका क्या, सर मुझे राइनोप्लास्टी करानी चाहिए। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, इज देयर नीड और नोट ऑफ द आफ्टर राइनोप्लास्टी ऑन माय फेस। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे दोस्तों आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, क्या मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी करानी चाहिए? दोस्तों, ये एक क्वेश्चन जो है, इसका जवाब जो है हम डिस्कस करने के लिए जो है, सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है वो क्या है। फर्स्ट, मुझे ज़रूरत है कि नहीं है, ये कैसे डिसाइड किया जाए। दोस्तों, राइनोप्लास्टी जो है वो एक नोज जॉब है, एक नोज सर्जरी है, जिसमें हमारे नोज को रीसेप एंड रीसाइज किया जाता है। कैसे? हमारे रेस्ट ऑफ जो हमारा फेशियल प्रोफाइल है, जो हमारा बाकी जो फेस है उसके तालमेल के बिठाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग सेट करने के लिए राइनोप्लास्टी सर्जरी की जाती है। दोस्तों, अगर हमारा जो नोज है, जो आपका जो फेस है उस फेस के तालमेल नहीं खा रहा, वो फिजिकली जो है कोई भी आदमी देख के बता रहा है कि भाई आपका नोज जो है आपके फेस से तालमेल नहीं, यानी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। सपोज करो आपका नोज जो है वो एग्जैक्ट मिड लाइन में होना चाहिए, मिड लाइन में नहीं है, नोज डेविएटेड है, नोज एक तरफ जा रहा है, तो आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। सपोज करो आपका जो नोज है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जो आपका चेहरा है उसके रेशियो में नोज बहुत चौड़ा है, ब्रॉड नोज है, तो आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। सपोज आपका जो नोज है, नोज के ब्रिज पे जो बम्प है, यानी एक तरफ से जो है नोज बहुत ऊपर उठा हुआ है, तो आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी की ज़रूरत है। एंड दोस्तों, बहुत बार क्या है, आपका नोज ब्रिज तो ठीक है, बट आपका जो टिप है वो ठीक नहीं है, आपका टिप ट्विस्टेड है, आपका टिप जो है वो ब्रॉड है, आपका टिप जो है अमोर्फस है, यानी टिप इतना ग्लोबुलर है कि वो हमारे रेस्ट ऑफ फेस से जो है वो मैच नहीं कर रहा। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हमारा नोज का जो, अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमारा नोज का जो है नोस्ट्रिल है वो अनइक्वल होते हैं, एक तरफ का नोस्ट्रिल ठीक है, दूसरी तरफ का नोस्ट्रिल ठीक नहीं है, तो उसमें जो है वो हमारा जो नोज का सेप्टम डेविएटेड है एक साइड में, तो भी क्या आपको राइनोप्लास्टी की सर्जरी की ज़रूरत है। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे नोज में ऐसी कोई विकृति नहीं होती, फिर भी आपके मन में सवाल आता है कि क्या मुझे राइनोप्लास्टी करानी चाहिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट आपको आपके अंदर से आपके एक फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा नोज जो है मेरे फेस के हिसाब से है कि नहीं है, या इन कोई विकृति में से कोई विकृति है तो मेरे को राइनोप्लास्टी सर्जरी करानी चाहिए। दोस्तों, बहुत बार क्या है कि अगर चार लोगों ने या कोई चार फैमिली मेम्बर ने बोल दिया कि तेरा नाक ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के बहकावे में आके हम राइनोप्लास्टी कराएं। आज हम कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हमारे फेस पे कराते हैं तो सबसे पहले हमारी रिसेप्टिव होना चाहिए। आज कोई गेस्ट हमारे घर पे आता है तो सबसे पहले हम उसको बुलाते हैं तो वो अच्छे से रह सकता है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से आके अपने घर पे रह रहा है तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, आपको पहले ये डिसाइड करना है, एंड आपकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो राइनोप्लास्टी करानी चाहिए, और अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है और लोग आपको कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के बहकावे में, यानी आप जो है प्राइमरी मोटिवेटेड होना चाहिए, खुद को लगना चाहिए। सो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्या मुझे राइनोप्लास्टी सर्जरी करानी चाहिए, एंड दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट इज़ आई थिंक यूजफुल फॉर यू। सो डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर family and friend just to create awareness, and आपका कोई सवाल है regarding nose के, regarding rhinoplasty के, आप मेरे comment box पे डाल सकते हैं, definitely I'll reply। thank you।